जीतु का बर्थडे एकदम धमाकेदार जा रहा लग रहा है अभी तक। ये क्यों बना रहे हैं वो तो बताइए, क्यों बना रही है? हमारे ऑफिस में गिव अवे इवेंट हो रहा है, तो ये बच्चों के काम आएंगे जो स्पेशली क्या बोलते हैं उनको, एबल्ड। हाँ, स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं ना, उनको काउंटिंग सिखाएंगे हम ऐसे। अच्छा, तो इसके लिए हम बना के दे रहे हैं। क्या जैसे आपको सबको पता है कल ऋतु का बर्थडे है और मैंने ऋतु को बोला है कि दो लगे तो सजाने जाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्या करेंगे सजा के फालतू में, कुछ खाली केक काट लेंगे। लेकिन अभी ऋतु गई है बाहर पार्लर में और मैं सजाने का सब कुछ सामान वामान ले आया हूँ और कोशिश करूंगा कि 12 बजे के पहले सजा वजा के ऋतु को एक अच्छा सरप्राइज दिया जाए। मैंने पुणे के सारे दोस्तों को जूम का लिंक भी भेज दिया, जूम का इन्वाइट भेज दिया है, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे जूम पे, तो कम से कम ऐसा नहीं रहेगा कि अकेले हैं, सब लोग साथ में रहेंगे जब केक कटेगा। तो कोशिश तो पूरी है, देखते हैं सरप्राइज कैसा रहता है। ऋतु को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ऋतु खाली पता है कि केक कटेगा और कुछ नहीं पता है। डेकोरेशन पूरा हो चुका है, कुछ ऐसा डेकोरेशन है, ऋतु को वहाँ से आएगी और यहाँ पे कुछ मोमबत्ती और बलून के साथ कुछ कुछ कर दिया मैंने जो मुझे समझ में आया। इधर हैप्पी बर्थडे के साथ लाइट लगा दी है और इधर क्योंकि हमारी एक वन ईयर एनिवर्सरी भी है एंगेजमेंट की, तो यहाँ पे वन लिख दिया है मोमबत्ती से। मोमबत्तियों का ज़्यादा यूज़ करने का सोचा मैंने क्योंकि इस बार जो है मोमबत्तियाँ घर में ज़्यादा थी और लगा बड़े सब यूज़ करते हैं, तो अगर हम लाइट बंद कर देंगे 1 2 3 देख सकते हैं दोस्तों आप, तो अब 12 बजने वाले हैं और इस समय ऋतु को बुलाने का हो चुका है। ऋतु बुलाते हैं, उपवा जा मोचू, आई ये भाई वाप ये पता वो क्या है, वो हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट मंथ, फर्स्ट एक साल हो गया ना हमारे एंगेजमेंट एनिवर्सरी। yes. कैसा लगा सरप्राइज? बहुत प्यारा लगा, बुबू पूरा घर जगमगा दिया तुमने ना। अभी तो बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बस बनी रहो हमारे साथ। कैसे लग रहा हूँ मैं? अच्छा लग रहा है बुबू, एकदम चमक रही है लाइट के बीच में, लाइट जला के दिखाओ क्या? बहुत अच्छी लग रही है वो। अच्छा लग रहा हूँ? यही कलर हमारे गाउन का था ना एंगेजमेंट हो रहा है ना, एंगेजमेंट पे तो मैंने सोचा यही पहन लूँ। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। बहुत अच्छा। दोस्तों वेलकम टू देसी व्लॉगर्स, आज है 6 जुलाई, मतलब मेरी बुबू का बर्थडे है आज और सुबह सुबह उस बर्थडे के उपलक्ष में और सावन के भी उपलक्ष में हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने शिव जी को। और ये तो रेडी हो गई है सुबह सुबह, देखिए आप बर्थडे लुक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी व्लॉगर्स। अभी मैं पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई हूँ, ऐसे बिंदी बिंदी लगाने की, पर चलिए चलिए जल्दी जल्दी पहले जल चढ़ा के आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों सब सजाने में तो बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन अब समय आ गया है कि इसको अब डिस्ट्रॉय किया जाए सजावट को। अभी बुरा लग रहा है लेकिन कैसी लगी थी सजावट आखिरी बार बता दो। मस्त लगी थी ना? ठीक दोस्तों फिर इसको उजाड़ते हैं अभी हम, तब तक आप से बात कीजिए कैसा लग रहा है उसको बर्थडे पे। ऐसे तो नहीं उजाड़ रही है, क्यों फोड़ रहे बलून? तो मैं फोड़ूंगा ना, मेरा बर्थडे है। गंदा हो रहा है ऐसे घर तो। ऐसा किया ऋतु का बर्थडे है तो आज इनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी दोस्तों, तो खातिरदारी के लिए आज पूरे दिन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर तो हो गई खातिरदारी, सब कुछ मेरे कंधों पे, मेरे नाजुक कंधों पे। तो भी ये सोचा गया है कि मैं इनको चिट्स के माध्यम से तीन चार ऑप्शन दूंगा और जो भी चिट इनके हाथ में आएगी वो मैं इनको बना के या मंगा के खिलाऊंगा। तो पहले चूज करेगी कि वो घर का खाएगी कि बाहर का खाएगी ब्रेकफास्ट। किधर मेहनत है, किधर मेहनत करेंगे आप बताइए, हम कैसे बता सकते हैं इसको।
आउटडोर चूज किया है, ब्रेकफास्ट आज बाहर होगा दोस्तों ऋतु के बर्थडे पे। चूज करेगी कि कौन सा ब्रेकफास्ट आइटम खाना है, हमारे पास है ऑप्शन, नहीं बताएंगे ऋतु को अभी, देखते हैं क्या चूज करती है। चूज करिए। पोहा चाय आ गया। सो एक्साइटिंग। पूरी सब्जी। पूरी सब्जी बाहर जाके खाते हैं। अब इतना मैंने कस्टमाइज नहीं किया है उसको। पोहा कुमला के लोग पोहा चाय खा रहे हैं बाहर, क्योंकि ऋतु ने चूज किया आउटडोर और पोहा चाय। तो हम लोग अभी बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाएंगे पोहा चाय खाएंगे, ब्रेकफास्ट करके आएंगे, उसके बाद फिर लंच की तैयारी करेंगे। देखते हैं लंच में ऋतु के नसीब में क्या आता है आज। पूरी सब्जी खानी है। ठीक है, ये बदलेव, ये गेम आप हमारा गेम बजाने के लिए बनाया है ना। पूरी सब्जी तो लंच में भी ऑप्शन रख देंगे, ठीक है, खा लेना। बैंगलोर में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पोहा आ चुका है, तो बर्थडे का स्पेशल पोहा, टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। बर्थडे पोहा बढ़िया है, ऐसा है ना? पोहा बढ़िया है, उतरा दोस्तों। पोहा खाने के बाद बाहर हमको कहीं चाय मिली भी नहीं, और कोई चाय हमारी बुबू से अच्छी बना भी नहीं सकता है, तो इसके लिए बुबू ने घर पे आके चाय बना दी है। मिस्टर दिखाइए, मिस्टर मिसेज वाले कप में हम चाय पियेंगे और अपनी एंगेजमेंट एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ये। चलिए बालकनी में चलते हैं। दोस्तों हमारे पति ने कुछ तो मंगाया है हमारे लिए, ये ऋतु का गिफ्ट है आज का। आज का मतलब बर्थडे का, बर्थडे गिफ्ट है ये। यस, बस यही है। बस तुमको तो गिफ्ट चाहिए नहीं था, बस यही है। क्या बोल रही हो? मतलब कि मैं फाइनली वो बता रही हूँ लोगों को कि दोस्तों यही है मेरा बर्थडे। नहीं नहीं, अभी और आएगा, लेकिन आज नहीं डिलीवर हो रहा है, आज डिलीवर नहीं हो पा रहा है बस वो। बर्थडे का जो दोस्तों आपने ये सुना होगा ये, यस, अगर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब फॉलो करते हैं अच्छे से तो आप बताइए कमेंट करके कि लेयर्स किसकी कंपनी है। दोस्तों मेरे जो बर्थडे का गिफ्ट है ना, वो तो इतना बड़ा गिफ्ट है, पर वो जुलाई में कभी भी आ सकता है। बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा गिफ्ट, वो बड़ी चीज है दोस्तों। अब लंच का समय हो चुका है और लंच में ऋतु के पास ऑप्शन है ये दोनों। वो रिसोर्स का यूज रियूज हो रहा है ताकि पन्ने ज्यादा बर्बाद ना हो। ओ अच्छा, ये पीछे के वो उधर कुछ और लिखा हुआ है, छलावा है, वो छलावा है। बस फिर देखते हैं ऋतु के नसीब में क्या, और इस समय खाली इंडोर का ऑप्शन है तो मैं खुद बना के ऋतु को खिलाऊंगा अपने हाथों से। देखते हैं दोस्तों, देखते हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 पूरी सब्जी होने की। अब दोस्तों पूरी सब्जी आई है, पूरी सब्जी दिखा दो, पूरी सब्जी ला के। पूरी सब्जी आई है तो मैं पूरी सब्जी बनाऊंगा ऋतु के लिए, पूरी सब्जी हलवा, पूरी सब्जी हलवा बनाऊंगा ऋतु के लिए। और पूरी सब्जी बस, मीठा खा लिया ना, केक खा लिया। हाँ भाई ना, केक थोड़ा और तो भी खा लेंगे ना। आया 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 पूरी सब्जी। दोस्तों ऋतु जैसे कि आपने देखा चिट में आए हैं आलू की सब्जी, तो पूरी सब्जी के लिए प्याज और टमाटर काट चुका हूँ, आलू बनते चलते हैं। मैं तड़के की तैयारी शुरू करता हूँ, जब तक आलू बन के तैयार हो जाएगा थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, उसके बाद आटा वाटा गूंदा जाएगा, उसके बाद पूरी बन जाएगी। जल्दी जल्दी फटाफट काम करना है क्योंकि काम भी ऑफिस का। दोस्तों कढ़ाई रख दी गई है, अभी इसमें जो है तड़का लगेगा, उसके बाद प्याज भुनेगा। आप तो जानते हैं प्रोसेस क्या होता है आलू सब्जी बनाने का, चटक बनाना है एकदम, चटक बनाइए ना, दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। दोस्तों बर्थडे गर्ल की ग्रूमिंग रेडी है, देख रहे हैं आप, कुछ कुछ लगा के मुंह में, क्या लगाई मुंह में? पैक लगाई हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं चमक जाऊँ, आज शाम को बुब्बू के साथ डेट पे जाना है ना। यस यस गुड, बुब्बू ऐसे ही आएगा, बुब्बू को भी पॉलिश कर दो। बुब्बू में आप पॉलिश है, बुब्बू मम्मी के पेट से ही पॉलिश होके पैदा हुआ। अरे वाह भैया, सब्जी तो एकदम चटपटी मसालेदार, कितनी बढ़िया लग रही है।
बहुत अच्छी लग रही है तो। अरे पूरी का आटा भी लग चुका है, वाह मोटू वाह, पूरी का आटा भी लगा दिए हमारे पतिदेव। पतिदेव हो तो ऐसे। दोस्तों पूड़ियां तली जा चुकी हैं, सब्जी भी बन चुकी है, पूरी बढ़िया लग रही है, अच्छी लग रही देखने में तो फिलहाल। अब खा के पता चलेगा कैसी है, तो निकाल लेते हैं फिर खाते हैं साथ में, फिर बताते हैं आपको कैसी बनी है, बर्थडे क्लब बनाएगी आप बताएगी आपको। दोस्तों तो पूरी सब्जी रह गई है, बर्थडे क्लब अभी खा के बताएगी कैसी बनी है। आलू कड़े लग रहे हैं, कच्चे लग रहे हैं क्या? नहीं 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 आलू पके हुए हैं। बहुत अच्छी है सब्जी, अच्छी बनी, चटक बनी है एकदम सब्जी, चटक बनी है, बहुत बढ़िया बनी है सब्जी, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू फूफू, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है सच्ची में देख। है ना नाइस। दोस्तों ऋतु उस दिन कॉफी वाले इंसिडेंट से कुछ ज़्यादा इंस्पायर हो गई है, अब पूरी की पूरी पेंटिंग के क्षेत्र में उतर गई है, कितनी सुंदर पेंटिंग बना रही हूँ। छोटा बच्चा बन गया हूँ ना मैं। हाँ और क्या, कितना अच्छा बना है, कितना अच्छा कलर किया है, एकदम बढ़िया से। मैं तो कभी अच्छा नहीं था ड्राइंग में, नहीं मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है कि सब अच्छे हैं। रितु का बर्थडे एकदम धमाकेदार जा रहा लग रहा है अभी तक। ये क्यों बना रहे हो तो बताइए, क्यों बना रही? हमारे ऑफिस में गिव अवे इवेंट हो रहा है, तो ये बच्चों के काम आएंगे जो स्पेशली क्या बोलते हैं उनको, एबल्ड। हाँ स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं ना, उनको काउंटिंग सिखाएंगे हम ऐसे। अच्छा तो इसके लिए हम बना के दे रहे हैं। क्या बात, रुतु ने वाटरमेलन के सीड्स भी बना दिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आज रुतु के बर्थडे की शाम को हम लोग आ गए सेलिब्रेट करने एशिया की सबसे बड़ी ब्रूवरी, एशिया की सबसे बड़ी आयरन हिल में। हम लोग तो खैर खाने, हम लोग का खाली खाने का काम है, लेकिन देखने आए यहाँ, क्योंकि एशिया सबसे बड़ी है, जो जाके देखेंगे। यहाँ का खाना ही बहुत फेमस है, तो जाके देखेंगे खाना कैसा है यहाँ का और क्राउड कैसा है। काफ़ी बहुत सुंदर बना हुआ है, इसके आर्किटेक्ट के बारे में चर्चाएँ होती हैं, बहुत सुंदर बना हुआ है। अभी अंदर जाएंगे तो बताएंगे आपको कैसा है। तो दोस्तों हम लोग गए थे बाहर डिनर करने और डिनर करके आए हैं, काफी अच्छा माहौल था, काफी अच्छा लगा हम लोग को बाहर डेट पे। कैसा लगा तुमको आज का दिन तुम्हारे लिए, कैसा था? मस्त एकदम दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे पति ने बहुत कुछ किया हमारे लिए, थैंक यू सो मच। कोई नहीं, वो प्रेम करते हैं आपसे, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। दोस्तों हमारे पति के साथ दुर्घटना भी हो गई है करते करते, नहीं दिखाना, नहीं दिखाना छोड़ो। दोस्तों ऋतु का बर्थडे तो अच्छा रहा, और इसी के साथ हम लोग काफी थक गए, सुबह से काफी भाग दौड़ चल रही है, तो अभी हम लोग आज का व्लॉग खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको कल। खत्म नहीं करते, आज का व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं और मिलते हैं आपको कल। दोस्तों मिलते हैं आपको कल, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग आपको मिलते हैं कल। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज देसी ब्लॉगर्स, तो शुभ रात्रि, जय श्री राम, हमारे माता पिता का प्यार आप सबके परिवार पर। और दोस्तों ऋतु का भी सबसे बड़ा वाला गिफ्ट आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ, वो तो बहुत ही बड़ा है दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए उसके लिए। और मेरे को हैप्पी बर्थडे, ये जुलाई में ही आएगा, जुलाई में ही आ जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ।